सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 और सैमसंग गैलेक्सी A5 2018 वेरिएंट के बारे में। तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड हुई है जो कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ तो उस फ़ोन में 2 दिन पहले लगभग एक सिक्योरिटी अपडेट आया हुआ था जो कि था दिसंबर का, दोनों ही फ़ोन में A5 2017 और A7 2017 में, और A3 में भी आया था, लेकिन A3 इंडिया में तो आप लोगों को पता है कि मिलता नहीं है। तो तीनों ही A3 2017 के वेरिएंट में दिसंबर का सिक्योरिटी अपडेट आया हुआ है और उसमें कुछ नया चीज़ ऐड हुआ है। जी हाँ, उस अपडेट में बताया जा रहा है कि जो कैमरा है, जो फ्रंट कैमरा है, उसमें लाइव फोकस का जो मोड है वो आया है। जिस तरह से आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में अगर याद होगा तो लाइव फोकस के मिलता है, मतलब आप पूरा अपना पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं और साथ में कुछ इमोजीज टाइप का दी गई है, जिस तरह से कुछ डॉगी स्टाइल का नहीं होता है कि आप दाढ़ी उड़ी लगा सकते हैं, उस टाइप का कुछ इमोजीज भी वहाँ पर दी गई है, जिस तरह से आपको J7 मैक्स में भी देखने को मिलता है और J7 प्राइम में भी ऑलरेडी ये सब ऑलरेडी है। लेकिन जो लाइव फोकस वाला है ये आपको मिल जाता है A5 और A3 2017 के वेरियंट में। ये क्यों क्या सैमसंग, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ए सीरीज़ था जो कि 2018 में A8 और A8 प्लस, उसमें आपको फ्रंट में डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है और आप उन दोनों ही फ्रंट कैमरा से पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। तो वो तो हार्डवेयर वाइज है, उसमें डुअल कैमरा का सपोर्ट भी है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर वाइज है, इसमें आपको कुछ उतना अच्छा बैकग्राउंड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको ए सीरीज 2018 के वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। हालांकि ए सीरीज 2018 के वेरिएंट में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है फ्रंट में, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल कैमरा है और सिंगल कैमरा से ज़्यादा उम्मीद भी मत कीजिएगा कि A8 प्लस की तरह आपको देखने को मिल जाए कि आपका पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाए। हाँ, ये इफेक्ट के कारण आप पूरा अपना पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं होगा जितना आपको A8 और A8 प्लस में देखने को मिलता है। फिर भी से नॉर्मल यूजर्स के लिए ठीक ही है, थोड़ा मोड़ा आप अपने फ़ोन से एक नया डिजाइन का सेल्फीज ले सकते हैं। तो अगर आप A7 और A5 2017 का वेरिएंट यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाएगा। ये अभी शायद इंडिया में नहीं आया हुआ है, देखते हैं कि इंडिया में आया है कि नहीं है, क्योंकि आप एक बार चेक कर लीजिए अगर आपके पास ये डिवाइस है तो, सैमसंग का A7 और A3 2017। इंडिया के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आया है तो बहुत जल्द इंडिया में भी आ जाएगा और आप लोग अपडेट करके इसका भी मज़ा ले पाइएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है ये और बहुत लोगों के पीछे मतलब बैकग्राउंड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मुझे अगर मैं बात करूँ तो मुझे पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादा पसंद आता है आगे के मुकाबले। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या पसंद आता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद हो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों का डेली इसी तरह से टेक वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।